हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एग्जाम में आपसे जो है लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो पिछले 1 साल के पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को जो है मैं आपको अलग से कवर करा दूंगा। जैसे कि कोई अगर खेल प्रतियोगिता है तो उससे भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ कौन से टॉपिक को आप पहले जो है पढ़ना चाहोगे तो नीचे कमेंट करके वर्ल्ड कप के लिए WC आप लिख सकते हो, नोबेल के लिए नोबेल लिख सकते हो, और जो भी आपके मन में टॉपिक आ रहा है कल्चर वगैरह के बारे में तो नीचे कमेंट करके आप लिख सकते हो। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इतना खर्च हो ही गया है मालिक, तो एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नीचे कमेंट करके ना, आप जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनमें से G20 में 21वें देश के रूप में कौन शामिल हुआ? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अब ये G20 नहीं रहा, ये अब G21 हो चुका है। क्यों? क्योंकि G20 में 21वें देश, यहाँ पे खुद ये बता रहा है 21वां देश, और 21वां देश कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। देश नहीं बना है ये, एक्चुअली ये देखिए अफ्रीकन यूनियन में टोटल जो है ना कितने देश हैं? 55 देश हैं, याद रखिएगा टोटल 55 देश हैं यहाँ पे, और ये 55 देशों का क्या है, एक यूनियन है, और अब ये G21 बन चुका है। और देखो अब क्वेश्चन ना एग्जाम में कहाँ से आपको घुमा के पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुई थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आप ठीक कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 2024 में G20 की जो है मेजबानी यानी कि होस्टिंग को है, जो है वो कौन करने वाला है? तो याद रखिएगा उस कंट्री का नाम क्या है? ब्राजील। कौन करने वाला है? ब्राजील। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 2025 में कौन करेगा? उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, साउथ अफ्रीका करेगा। ये कौन करने वाला है? साउथ अफ्रीका। अब एक और सवाल है, इतना खर्च हो गया है तो तीसरा भी ले लेते हैं, और जो 2026 है वो अमेरिका इसका जो है मेजबानी करेगा, होस्टिंग करेगा। अब देखिए एक सवाल बार बार जो है पूछा जाता है, G21 अब हो चुका है तो G21 ही हम लोग बोलेंगे। इसमें जो है एक वर्ड आता है ट्रायोका, एक वर्ड जो है ट्रायोका। अब आपसे पूछा जाएगा ट्रायोका किसे कहते हैं? तो देखिए ये मीटिंग वगैरह हो जाती है ना, तो जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, जो फैसला होता है कि इस फैसले को लागू कैसे करें, तो देखिए ट्रायोका 3 कंट्री मिलकर बनाती है ट्रायोका। देखिए सबसे पहले जो पिछले साल की मेजबान थी, तो देखिए 2023 में कौन मेजबान था? इंडिया था मेजबान। और अगला जो है वो कौन, करंटली जो है वो कौन करेगा? अभी मैंने आपको बताया ब्राजील करने वाला है, और अगला जो करने वाला है नेक्स्ट जो है होस्टिंग कंट्री है ये 2023 में था, ये 24 में ब्राजील करेगा, 2025 में कौन करने वाला है? 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये तीनों मिलकर जो है डिसाइड करेंगे कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे चीजों को धरें और चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ट्रायोका इसे कहते हैं। आई होप कि अब जो है आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, यहां से आप जो है फोटो देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे गले लगाकर जो है बधाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग बधाई लेते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो देखिए थ्री इडियट में आपने इनकी एक्टिंग को बहुत सारा अब्बा नहीं मानेंगे वो पॉपुलर डायलॉग बन गया था, उनका नाम है आर माधवन। आर माधवन जी को जो है FTI का जो है चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा FTI की अगर मैं बात करूं, FFTTI की, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई है, 60 में। और कहाँ पे है ये, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ देखने को मिलेगा? पुणे में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पुणे में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपको जो है FTII के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर माधवन, इनकी फोटो आपको यहाँ से दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सूर्य मिशन L1 को जो है किस यान से प्रक्षेपण, जो प्रक्षेपण यान है उससे इसको जो है लॉन्चिंग की गई है, छोड़ा गया है? तो देखिए इसका नाम है PSLV C-57। इसके द्वारा जो इसे छोड़ा, मैं एक मिनट आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा ना कि ये जो आदित्य L1 का मिशन है हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, तो देखिए अलग अलग पॉइंट को लैग्रांजेस पॉइंट कहा जाता है। लैग्रांजेस क्या थे? एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो, उन्होंने जो है एक फिजिक्स वाली बुक थी लास्ट ईयर में, वहां से जो है पढ़ लिया होगा। तो देखिए L1 पे जो है हम लोग इसे लॉन्च करने वाले हैं। एक और ट्रिक है, आसानी से याद कर पाओगे, आदित्य L1 कहाँ जाएगा? L1 में जाएगा, सीधी सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए पूछा गया, डूरंट कप जो है 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए ये फुटबॉल वाली चैंपियनशिप है, और इसमें जो है मोहन बगान ने किसे हराया है? मोहन बगान ने हरा दिया है इसे, ये देखो ईस्ट, ये जो है, जी हाँ, ईस्ट बंगाल को हराया है मोहन बगान, यहाँ पे जीता हुआ है। और किस स्टेडियम में हुआ था? तो याद रखिए आप, ये सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो है ये प्रतियोगिता आयोजित
की गई थी। चलिए यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे, ठीक है, फोटो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नाम अगर मैं शॉर्ट में बोलूं RCF को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया, अच्छी बात है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया है कहां पर है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये तो हो गया वन लाइनर आंसर, थोड़े बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए RCF में ना जो पैसा है उसमें जो है 75% पैसा इंडियन सरकार का लगा हुआ है। अब ये काम क्या करती है थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये फर्टिलाइजर बनाती है, ये क्या करती है फर्टिलाइजर बनाती है, और इसको नवरत्न का दर्जा हाल में ही मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी, एक्चुअली ये 5-5 नहीं 5S है, यहां से देखो इंग्लिश वाला में आप देख पाओगे 5S है, ठीक है। 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जीता है, किसे हराकर जीता है, तो देखिए पाकिस्तान को हराकर हम लोगों ने इसे जीता है। अब देखिए ये तो पुरुष टीम की बात हो गई ना, आपसे पूछा जा सकता है महिला, या मेंस आपको दिख रहा होगा, तो वुमेन्स टीम ने भी जो है इस पुरस्कार को जीता हुआ है, आई मीन उन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल ही जीता है। याद रखिएगा दोनों जो मेल और फीमेल दोनों टीम में एथलीट टीम थी, दोनों ने गोल्ड पुरस्कार यहां से जीत लिया है, फोटो आप यहां से देख पाओगे। एक और बात, भारतीय जो हॉकी टीम के कैप्टन है उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, आगे मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आप देख पाओगे, हाल में ही एन वलार मथी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, यह आपसे पूछा गया। तो देखिए ये वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली महिला थी, चंद्रयान 3 में भी इन्होंने जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, रेडार सिस्टम का ये अध्यक्ष भी बनी थी इसरो के द्वारा जो लॉन्च होता है उसमें, तो इसका आंसर ए है। और एक और बात आपको देखिए फोटो आप यहां से देख लो, ये आपको इनकी फोटो भी दिखेगी। अब देखिए इनको APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार भी दिया जा चुका है, किसके द्वारा दिया जाता है APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा ये तमिलनाडु के चेन्नई से जो है इनका संबंध है, और यहां से आप इनकी फोटो वगैरह तो देख ही सकते हो। आगे बढ़ेंगे, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जो है किसने जीती है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स। और देखिए ये मैंने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में भी बताया था, ये जब 2023 में ये प्रतियोगिता हुई थी उनकी ये 10वीं लगातार जीत थी, और अभी तक एज ऑफ नाउ में ये 15 टोटल जीत चुके हैं, कितना 15, और ये 15वीं लगातार कंटिन्यूअसली, और टोटल अगर की बात करूं टोटल ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम की तो इन्होंने 50 खिताब जीत चुके हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। आप फोटो देख लो, हमेशा ये आप याद रखना इसे। आगे बढ़ेंगे, मून खाइबर किस देश का मून मिशन है, तो देखिए मून खाइबर जो है ये जापान का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जापान का जो है मून मिशन है। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा, एक और सवाल पूछा जा सकता है, जापान के जो जैसे हमारे यहाँ इसरो है, इंडिया में क्या है इसरो है, और अमेरिका में कौन है नासा है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात, तो जापान में क्या है, तो जापान में जैक्सा है, JAXA, ठीक है, जैक्सा इसका क्या होगा सही जवाब होगा। अब देखिए ये जो जैक्सा ने ये लॉन्च किया है ना, इसमें कुछ कंट्री शामिल थी जिन्होंने इसे मदद किया है, कौन कौन सी कंट्री थे, तो देखिए यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कंट्री एक है, एक्चुअली यूनियन है, बहुत सारे देश इसमें जो है शामिल है यूरोपियन यूनियन में, इन्होंने जो है इसकी मदद करी है, और साथ में नासा भी आगे आया और नासा ने भी जो है हेल्प करी है, किसकी, जापान की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से आप जो है आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया, तो देखिए देश में अलग अलग सोलर सिटी जो है बनाया जाएगा, क्यों, नेट जीरो को हासिल करने के लिए, यानी कि हम लोग जो है कार्बन एमिशन को जो है कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जो पहला सोलर सिटी है वो कहां आपको देखने को मिलेगा, सांची में, कहां मिलेगा सांची में, तो ये देख लो यहां से आपको जो है इसकी फोटो भी शायद मैंने लगाई है, हाँ बिल्कुल लगाई है, यहां से आप देखो यहां पे आपको शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अभी कौन बन चुके हैं ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुख्यमंत्री जो है बदला जा चुका है MP में, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले देखिए G20 के दौरान जो है इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, कहां पे, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर आपसे पूछ लूं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में, और ये कहाँ है, ऑप्शन नई दिल्ली है इसका सही जवाब, डी के साथ आपको जाना है। और ये नटराज मंदिर जो है भारत मंडपम के आगे जो है लगाई गई है, फोटो देखो ताकि आप चीज़ों को ठीक समझ पाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पीछे आपको भारत मंडपम दिखेगा और उसके ठीक आगे आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, नटराज की मूर्ति दिख रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 3rd ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये
चैंपियनशिप में भारत जो है कितने नंबर पे रहा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देख लो ये ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, कितना भारत ने जो है टोटल यहाँ पे 14 मेडल जीता था। भारत ने अजरबैजान के ये जो ये प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पे 14 मेडल जीता था। देखिए मैं आपको थोड़ी और बातें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो 6 जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और टोटल जो है 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिल्वर हम लोगों ने एक भी नहीं जीता था यहाँ पे। चलिए ये बातें समझ में आ गई। एक और बात इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या है, भारत की जो रैंकिंग थी यहाँ पे 3rd थी। कितनी थी? 3rd, ऑप्शन सी के साथ आप आगे जाओगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आप देख भी सकते हो, देखिए ये बाकू अजरबैजान का आपको जो है दिख जाएगा और यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया फिनिशेज द रिच हॉल ऑफ 14 मेडल इंडिया ने यहाँ पे जीता हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले बुक की फोटो मैं आपको दिखा देता बट आप आंसर समझ जाओगे, फिलहाल मैं आंसर ही बता देता हूं, राधिका अयंकर इसका क्या है सही जवाब है। देखो यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे, ये बुक जो है ना एक्चुअली बनारस के घाट पे जो लाशों को जलाया जाता है, डोम राजा के द्वारा इनको जलाया जाता है, उन्हीं डोम जाति के लोगों की जो जीवन है, जीवन के संघर्ष हैं, उनको इस बुक में दिखाया गया है कि उनके बच्चों की एजुकेशन कैसी है, इनके परिवार का हेल्थ केयर कैसा है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है इस बुक में देखने को मिलेगा, दिस इज वेरी मस्ट रीड बुक, तो इसे आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। तो देखिए एंटी ड्रोन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के आसपास से, आई मीन जहां पे इसे इंस्टॉल किया जाएगा, जहां पे रखा जाएगा, इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा, वहां के आसपास से अगर कोई ड्रोन आता है तो इसे क्या करेगा, ये अटैक करके खत्म कर देगा। ठीक है, ड्रोन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जो है हथियार हो चुका है। क्लियर हो गई बातें? तो आंसर तो क्लियर नहीं हुआ होगा आपका, डेफिनेट सी बात है। इसका नाम देखिए इंद्रजाल रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, इंद्रजाल। और ये सिक्योरिटी के लिए काम में आएगा, कहां पे काम आने वाला है, सिक्योरिटी के काम में आने वाला है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी फैक्ट्री वगैरह को बचाने के लिए इसका यूज, यहां से आप इंद्रजाल की फोटो भी देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो फंसने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन किसकी अध्यक्षता में जो है इसकी समिति का गठन किया गया है, तो रामनाथ कोविंद, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। इसमें काम क्या किया जाएगा, तो कैसे भारत में लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन एक साथ कराया जा सके, इसके ऊपर जो है ये समिति डिस्कस करेगी, रिसर्च करेगी, उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ पाएगी। तो खैर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए क्या एक साथ इलेक्शन कराए जा सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग जो है, अगर आप इसके फेवर में हो तो यस जरूर लिखिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे जो है किसी एक पार्टी को फायदा मिलेगा तो नो जरूर आप लिखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है, आपको बताना है कि वो किस भारतीय घराने से थी, आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो ग्वालियर घराने से थी। ठीक है, और देखिए इनके द्वारा जो है ख्याली जो है, ये ख्याली और टप्पा जो है गायन शैली से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनकी फोटो देख लो आप पहले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है, वहीदा रहमान। भरतनाट्यम ये जो है नृत्य वगैरह भी करती है, तमिलनाडु से आती है, और इनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ, CID। और इनके कुछ चर्चित फिल्में हैं, गाइड वगैरह आप देख सकते हो, देखा ही होगा आपने, कागज के फूल, वो भी आप इसे देख सकते हो। और हाँ, कागज के फूल तो आपको या गाइड जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप वहीदा रहमान की पुराने दिनों की फोटो देख सकते हो और ये अभी जो है करंटली फोटो ये है। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिल रही है कि जवानी हमेशा रहेगी नहीं, इसलिए जो है अच्छे काम करो तब भी आपको जो है सम्मान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए थीम की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे सबसे पहले जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और इसका जो आंसर है, देखिए हम लोग जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, इस थीम का जो है उद्देश्य भी यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे, आंसर भी देख लिया होगा आपने, चलो कोई बात नहीं। 27 सितंबर को जो है हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक यानी कि जो है डायरेक्टर किसे बनाया गया है, BARC का जो है डायरेक्टर विवेक भसीन जी को बनाया गया है। विवेक भसीन जी के बारे में बात करेंगे बाद में। देखो BARC के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई है। कब हुई स्थापना, 1954 में। यहां से आप विवेक भसीन जी की फोटो भी देख सकते हो।
हाल ही में एम एस स्वामीनाथन जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, देखिए, मेन तीन जगह पे किया गया था, पंजाब में और यूपी में, और तीसरा जो था हरियाणा में। यहाँ पे चावल और गेहूं के जो उत्पादन है उसे बढ़ाया गया था। कि आपको पता होगा, इंडिया बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हम लोग थर्ड कैटेगरी के खाना जो है अलग अलग देशों से मंगाया जाता था, जो रॉ मटेरियल है, ग्रेन, वो हम लोगों को बहुत जो है दिक्कत हुई थी उस समय, और एम स्वामीनाथन ने इसका जो है समाधान किया था। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल है। एम एस स्वामीनाथन को ना बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। इसमें है पद्मश्री इनको मिल चुका है, ठीक है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। देखो कितने पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। ठीक है, आपको मैं लिख दे रहा हूं आप ताकि चीजों को समझ पाओ। इसके अलावा इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको जो है मिल चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस के प्रेसिडेंट के याद में दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। पहला जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसने जीता था, वो झारखंड से संबंधित है, नीचे कमेंट करके आप लोग को बताना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2019 में जो है एक टीवी पत्रकार हुआ एक्चुअली मैं इसलिए बोला क्योंकि वो टीवी पत्रकार अब रहे नहीं, अब वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जिनका नाम है रवीश कुमार। एनडीटीवी इंडिया को जब गौतम अडानी ने खरीद लिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ये तो आंसर मैंने आपको बता दिया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल में ही घोषित टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सीधा आंसर इसका एमपी है, लेकिन कुछ और फैक्ट आप याद कर लो। एमपी में सबसे ज्यादा आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे, कितने, 7। पूरे इंडिया में आपको कितने देखने को मिलेंगे टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो, पूरे भारत में आपको 54 जो है टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र, कितने हैं, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, देखो एक और बात है, ये जो दुर्गावती है ना, ये सबसे बड़ी जो है टाइगर रिजर्व है, कहां पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको दिखेगा, ये देखो, चर्चित OSIRS रेक्स जो एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड मिशन जो है किस अंतरिक्ष संस्था से संबंधित है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नासा। ये किससे संबंधित है, नासा से। अब ये देखिए करता क्या है, तो देखिए ये मलबा जो है ना वो लेकर आया है यहां से, एस्ट्रॉइड से, और इसका जो है निरीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या क्या इससे जो है किया जा सकता है। यहां से आप जो है मलबा को भी देख सकते हो, यहां से फोटो भी आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल में ही चर्चा में रहा फाइव आईज, देखिए फाइव आईज का, फाइव आईज यानी कि 5 आंखें, यानी कि 5 कंट्री आपको देखने को मिलेगा इसमें अलायंस में। देखिए कौन कौन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तो दोनों एक ही साथ आते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 2 कंट्री हो गया, यूएसए यूके 4 कंट्री हो गया, एक कंट्री बचा कौन, कनाडा। और अभी जो हाल में ही कनाडा और भारत के बीच में विवाद हुआ था, यही फाइव आईज ने जो है चुगली करी थी हम लोगों की, इन्फॉर्मेशन जो है साझा करी थी कनाडा के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ में इसका जो आयोजन किया गया है, टू बी प्रिसाइज में बोलूं तो बलरामपुर में। यहां से आप फोटो देख पाओगे, चीजों को आप समझ पाओगे। राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में आपको दिख रहा है ना यहां पे। अब देखो बलरामपुर गार्डन में इसका जो है आयोजन 12 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच में किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया? तो देखिए गांधी वाटिका में होगा क्या, यहाँ पे हेलो इफेक्ट के द्वारा, हेलोग्राफी इफेक्ट के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है गांधी जी की जो तस्वीरें हैं ना वो बोलेगी, बात करेगी, जो बातें हुई है, जो आंदोलन उन्होंने किए हैं उसके बारे में आपको बताएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी याद रखना है। मैं सभी क्वेश्चन में वीवीआई नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज सचमुच में वीवीआई क्वेश्चन है ये। ए के साथ आपको आगे बढ़ना है, जयपुर में ये आपको दिखेगा, कहाँ दिखेगा, जयपुर में दिखेगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप जो है गांधी वाटिका की फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चर्चित चौक परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो देखिए चर्चित चौक परियोजना का संबंध आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, छत्तीसगढ़ में हाल में ही इलेक्शन हुए हैं, वहां के बीजेपी के जो नेता हैं, चौथे मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
छत्तीसगढ़ की बात करूं तो देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो है इनको राशि दी जा रही है, 5 साल में ये जो है स्कूलों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करेंगे। आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड दिखेगा, इसके अलावा व्हाइट बोर्ड तो दिखेगा ही, ब्लैक बोर्ड वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कंप्यूटर, इसके अलावा जो अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, लैब इस्टेब्लिश किया जाएगा, बेंच डेस्क वगैरह, फैन, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी यहाँ पे लाई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। यहां से आप जो है भूपेश बघेल को देख सकते हो, ये एक्स सीएम है, एक्स सीएम रह चुके हैं ये, और अब जो इनकी पार्टी हार चुकी है तो ये अभी पावर में नहीं है। 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल। याद रखिएगा गोल्ड मेडल जो है पुरुष टीम के अलावा जो है महिला टीम ने भी जीता है। यहां पे आपको महिला पूछा गया, पुरुष भी पूछा जाएगा, तो आपको आंसर गोल्ड ही बताना है, मेल टीम ने भी जीता है। और अगर मेल टीम की मैं बात करूं, देखिए फीमेल टीम का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है। मेल टीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेल टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत कौर मत समझ लेना, हरमनप्रीत कौर कौन थी, वो भारतीय क्रिकेट महिला टीम की जो है क्या है, वो कैप्टन है, ठीक है। चलिए यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में नंबर वन पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर वन पे रहा है। फोटो भी आप देख लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, दो फोटो मैंने लगा दी है। दूसरी बात, नंबर टू पे जो है स्टैनफोर्ड रहा है, यानी कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड जो है दूसरे नंबर पर रहा है। भारत की ओर से टोटल जो है 91 यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे ऐड किया गया है, नंबर वन पे बेंगलुरु रहा है, आईएससी बेंगलुरु, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 जो है प्रदान किया गया, किसे दिया गया है, तो जो माता अमृतानंदमयी देवी है उनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। यहां से आप इनकी फोटो देख सकते हो, इनके जो डिवोटीज हैं, इनके मानने वाले लोग हैं, इनको अम्मा के नाम से जानते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपसा का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो देखिए आपसा जो है ये कब लगा है, 1958 से जो है ये लगा हुआ है। देखिए ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए लगाया गया है, और हाल में ही सरकार ने जो है 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया है मणिपुर में। इसका पूरा नाम देखिए क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किस भारतीय को दिया गया है, देखिए ये 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को ये पुरस्कार दिया गया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, 2019 में रवीश कुमार को जो है एनडीटीवी के वो पत्रकार थे उनको अवार्ड मिल चुका है। एनडीटीवी का जब अधिग्रहण जो है एक्विजिशन जो है गौतम अडानी के द्वारा किया गया, तो इन्होंने जो है वहां से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन करके यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर ये भी काम कर रहे हैं मेरी तरह, ठीक है। यहां से आप इनकी फोटो देख सकते हो रवि कन्नन की, देखिए ये क्या है, ये हीरो फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, आसाम के ये है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रियन सेन राजस्थान की ये पहली महिला है जिन्होंने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता, यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अल्लू अर्जुन को दिया गया। याद रखिएगा तेलुगु में जो है अवार्ड पाने वाले ये पहले अभिनेता है जिनको तेलुगु इंडस्ट्री से जो ये अवार्ड मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा आलिया भट्ट और कृति सेनन को जो है बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला हुआ है। कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और गंगूबाई काठियाबाड़ी के लिए आलिया भट्ट को यह पुरस्कार मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करूं तो उद्धम सिंह को यह फिल्म के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है, आप यहां से अल्लू अर्जुन की फोटो देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, नरगिस मोहम्मद को जो है हाल में ही विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है, वो किस देश से संबंधित है, तो देखिए वो ईरान से संबंधित है। ईरान में जो है आप इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया फॉर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया कि लोग जो है बुरका वगैरह नहीं पहनेंगे और मॉरल पुलिसिंग गलत है, लेकिन इनको जो है ईरान सरकार के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। किस राज्य ने भारत में पहला एआई स्कूल को लॉन्च किया है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, केरला। केरला में जो है अब देखिए इस तरह के रोबोट जो एआई टूल है ना वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लैब वगैरह में जो है ये बहुत काम में आने वाला है। टू बी प्रिसाइज अगर आंसर मैं करूं तो ये लैब में बहुत काम आने वाला है। सी इसका क्या होगा, केरला के साथ आपको जाना है, एआई स्कूल जो है केरला ने लॉन्च कर दिया है। यहां से आप जो विद्या भवन देख सकते हो, संतगिरी विद्यानगर भवन, यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पर जो नियुक्त होने वाली पहली महिला है उनका नाम आपको बताना है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा। यहां से आप इनकी फोटो देख लो, जया वर्मा सिन्हा को जो है पहला जो है महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, और
मैं अगर बात करूं तो ये जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, आपको ये बताना है कि भारत में रेलवे जो है किस वायसराय के समय में आया था, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम जो है अनुराग सिंह ठाकुर ने अस्मिता महिला लीग कर दिया है, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्रंक ऑन लव, द लव सॉरी द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ अ कबीर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए ये पुस्तक, ये जो पुस्तक है विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक में संत कबीर के बारे में ये बात करते हैं, उनके टीचिंग्स को जो है हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाती है इस किताब में। फोटो आप देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, पिक्चर आप यहाँ से देख सकते हो, ऑथर की भी और बुक की भी फोटो आपको यहाँ से दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चर्चित रॉबर्ट व्योम मित्र, ये जो व्योम मित्र है ना, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, तो देखिए इसका नाम क्या है, इसरो। इसरो के द्वारा ये बनाया गया है। एक्चुअली ये बनाया इसलिए गया है, गगन जो हम लोग गगनयान लाने वाले हैं ना, उसमें ये दो जो है ये व्योम मित्र रहेंगे। व्योम मित्र कैसे होते हैं, यहाँ से आप देख लो, ये AI है, इसके द्वारा जो है हम लोग रिसर्च वगैरह करेंगे। मानव रहित वाले यान में इन लोगों को भेजा जाएगा। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार जो है किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टोयोटा मोटर्स के द्वारा जो है ये निर्मित किया जाएगा। यहाँ से आप इसकी फोटो देख लो, उसके बाद इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए ये टोयोटा है और यहाँ से आपको जो है नितिन गडकरी जी की फोटो दिखेगी, ठीक है। ये कौन से मिनिस्टर हैं आपको पता ही है, पर्यावरण, ये परिवहन मंत्री मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ये संभालते हैं। दूसरी बात, अब देखो ये जो फ्यूल वाली बात आ रही है ना, फ्लेक्स फ्यूल, ये क्या है, तो देखो जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हो ना आप अपने बाइक वगैरह में, कार वगैरह में, उसमें 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल होता है। अब इथेनॉल कौन सी बला है, तो देखिए इथेनॉल जो है शुगर कैन यानी कि गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है मक्का है ना, मेज, वो भी इसमें डाला जाता है। इसके अलावा जौ के माध्यम से भी इसे बनाया जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया जो है आगे ये 10% को बढ़ाकर 20% करना चाह रहा है, ताकि पेट्रोल जो है हम लोग कम से कम यूज कर सके, एटलीस्ट जितना कम हो सकता है उतना कम कर पाए। अगला सवाल देखिए क्या है, जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा गेम्स आयोजित किए गए थे 2023 में, इंडियन ब्लाइंड महिला टीम ने जो है कौन सा पुरस्कार जीता है, तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गोल्ड मेडल है। हम लोगों ने इंग्लैंड के बर्गिंगम में, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, वहां में ये पुरस्कार जीता है और ये पहली बार है कि हम लोगों ने गोल्ड प्राइज जीता हुआ है। और महिला टीम की बात कर ली मैंने, अब देखिए मेल टीम की अगर मैं बात करूं, पुरुष टीम की बात करूं, तो पुरुष टीम ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। महिलाओं ने यहाँ पे अपना नाम, हमारे देश का नाम, और पुरुष टीम ने भी हम लोगों का नाम ऊंचा किया है। यहाँ से आप जो है इंडिया और नेपाल के बीच में फाइनल खेला गया था, यहाँ से आप इंडिया की नेशनल फ्लैग को देख पाओगे, यहाँ से आपको जो है नेपाल का नेशनल फ्लैग दिखेगा और यहाँ पे हमारी टीम की सबसे साहसी और जाबाज लड़कियां आपको यहाँ से दिख जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए क्या है, 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है महिलाओं का, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महिलाओं का भी खिताब भारत ने जीता है, पुरुष टीम का भी जो 5S हॉकी चैंपियनशिप है वो भी हम लोगों ने जीता हुआ है, और महिला टीम ने 7-2 से इंग्लैंड को हराकर यह पुरस्कार जीत लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, FIBA फीबा बास्केटबॉल कप 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। पहला सवाल का जवाब ये हो गया, ये तो ऐसे खत्म हो गया, लेकिन ये कौन सा एडिशन था, तो देखिए ये 19वां एडिशन था, 19th एडिशन था। इसे किस किस कंट्री ने होस्ट किया, तो देखिए फिलीपींस, इसके अलावा जापान, जापान के अलावा इंडोनेशिया, तीन कंट्री ने मिलकर जो है इसे होस्ट किया है, ठीक है, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया है। और पहला देश इस वर्ल्ड कप को जीतने वाला कौन था, उस देश का नाम था अर्जेंटीना। टोटल इस 2023 में 32 देशों ने पार्टिसिपेशन करी थी, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने देशों ने पार्टिसिपेट करी, 32 कंट्रीज ने। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आप जो है जर्मनी टीम को देख पाओगे। भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पेन से हम लोगों ने जो ये है एयरक्राफ्ट खरीदा है, ताकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो जवान जाते हैं दुर्गम पहाड़ियों पे, वहाँ पे उनके लिए इक्विपमेंट, खाना और भी जो जरूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचा सकें। यहाँ से आप इसकी फोटो देख सकते हो, हम लोगों ने स्पेन से ये जो है विमान खरीदा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। US ओपन, देखिए सबसे पहले US ओपन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लो आप, ये जो टाइटल है ना ये सबसे लास्ट में खेला जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में खेला जाता है, राजीव राम जो कि USA के हैं और सेलिबस बरी ने इसे जीता है, और भारत के रोहन बोपन्ना को हराकर, राजीव राम जो है भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा इस बात को, यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे,
यूएस ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? कोको गॉफ। कोको गॉफ 19 साल की महिला है। कौन है ये 19 साल की महिला है, ये आपको याद रखना है। यूएसए की ये महिला है और ये बहुत प्रचलित है कि इन्होंने जो है इतने कम उम्र में जो है इस पुरस्कार को जीत लिया। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है टोटल कितने लोगों को दिया जाता है? 12 लोगों को हर साल दिया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए दीप मान गांगुली को यह है पुरस्कार मिला हुआ। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? नॉट पे ध्यान देना है आपको, नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए, इसमें आपको फ्रांस दिखेगा, इटली दिखेगा, सऊदी अरेबिया दिखेगा, लेकिन अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और इस कॉरिडोर को ना, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, इसे 10 सालों में पूरा करने का जो है निर्णय लिया गया। यहां से आप फोटो भी देख पाओगे कैसे जो है हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो देखिए, भारत ने जीता है। हराया किसे है? बांग्लादेश को। कितने गोल से हराया है? 2-0 से। और ये होस्ट कंट्री कौन थी, मेजबान कंट्री कौन थी? तो याद रखिएगा, मेजबान कंट्री का नाम था भूटान। कौन था? भूटान। और भूटान के जो कैपिटल है थिम्पू में ये जो है आयोजित किया गया था। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो देखिए, इनका नाम जो है कार्टून के क्षेत्र में बहुत अदब से, यानी कि बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडिया टुडे जो मीडिया संस्थान है, उनके साथ ये काम कर चुके थे। यहाँ से आप कार्टून की फोटो भी देख पाओगे। यहाँ पे देखो, ये कार्टून की फोटो इन्होंने बनाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा। हाल में ही उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो देखिए, वो जो है बीना बजाते थे। वो क्या बजाते थे? बीना, सही जवाब है। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से संबंधित थे? तो देखिए, ये जयपुर घराने से संबंधित व्यक्ति थे। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? यहां से आपको फोटो भी दिख रहा होगा। ये साहस को प्रदर्शित करने वाला फेस्टिवल है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर मिल सके, इसके लिए जो है इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। किसने करवाया था? मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। यहां से आप इनकी औरतों को भी देख सकते हो, यहां पे जो ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार जो है संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। देखिए, ये जो है आर्मी में क्या है, आर्मी में ये काम करते हैं, सर्जन का काम करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप यहां से देख सकते हो। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे बच्चे को पता है, 14 सितंबर को ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 22वें अनुसूची में इसका जो है आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, सॉरी 8वें अनुसूची में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। टोटल हिंदी को जोड़ करके इसमें 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल इनवैलिड है, इसे रहने देते हैं। देखो, जब आपका एग्जाम हो ना, उससे ठीक पहले वाले ICC अवार्ड जो है, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, तो उसे जरूर आप एक बार देखकर जाना। हाल में ही जो है चर्चा में एक डिवाइस जो है मॉक्सी बहुत चर्चा में था। देखिए, ये करता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ना ऑक्सीजन बना देता है। पहली बात, ये तो बड़ा अच्छी बात है। देखिए, ये क्या करेगा ना, जब ये जाएगा मंगल पे, तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑक्सीजन में बनाएगा। एक और बात, एक घंटे में जो छोटा सा प्लांट जो जितना ऑक्सीजन तैयार करता है ना, ये अकेले एक छोटा सा लंच बॉक्स के आकार का, ये देखो यहां से टिफिन के आकार का ये डिवाइस है, ये यहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन तैयार कर देगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो सल्फर के अलावा यहाँ पे आपको Fe आयरन भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट करके Fe का जो एटॉमिक नंबर है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो आप नीचे कमेंट करके बताओगे। यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। विश्व ओजोन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए क्या सवाल पूछा गया, एक एक करके देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको बता दिया, फिलहाल मैं इसका आंसर आपको करेक्ट करके बता देता हूं। विश्व ओजोन दिवस जो है आपको कब देखने को मिलेगा?
ये आपको देखने को मिलता है 16 सितंबर को। अब ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना लोगों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि कैसे चीज़ों को आप लेकर आगे जाओगे, ओजोन से जो नुकसान हो रहा है जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने से, एक्टिविटीज से, उसे आपको रोकना है। हाल ही में क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किया गया, किसने जीता है, भारत ने जीता है, किसे हराकर, श्रीलंका को 10 विकेट से हम लोगों ने हराया है। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं, सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन थे, तो याद रखिएगा कुलदीप यादव इनका नाम है, कुलदीप यादव ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करा। अगर फाइनल में मैन ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं, तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है किसे मिला है, मोहम्मद सिराज को ये पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको दिख जाएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस, वननेस का जो है स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखिए ये जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे उनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है, जो कि 108 फीट ऊंचा है, 108 फीट ऊंचा है, आपको ये देख लेना है। कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश के जो मैं एक बार बता देता हूँ, एक्चुअली थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है, ओमकारेश्वर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही थी। देखिए ये जो है ज्ञान भूमि के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ये जो है ज्ञान भूमि के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो देखिए हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, और लवलीना जो कि बॉक्सिंग खेलती है, इन दोनों को यहाँ पे आप देख पाओगे, ये देखो ये ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसेल के पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटका। और इस मंदिर को ना यहां से देख लो, यहां से आप चीजों को देखो, उसके बाद में डिस्कस करूंगा, काले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां से आप देख पाओगे। और एक और बात आपको याद रखना है, शांति निकेतन, यहां से आपको फोटो भी दिख रही होगी ना, ये बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, और शांति निकेतन को भी जो है विश्व जो धरोहर दिवस है, हेरिटेज है, उसमें शामिल कर लिया गया है। अब एक मेला के बारे में बात करेंगे, गोटमार मेला जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ से देख लो, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, और ये छोटा सा झंडा जो है एक पेड़ के ऊपर में लगा दिया जाता है, और दोनों गांव के लोग इस झंडा को उतारने की कोशिश करते हैं, जो उतार लेता है वो विजयी हो जाता है। आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा खेल है, लेकिन इसमें एक हार्श रियलिटी है कि दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव पे जो है पत्थर फेंका करते हैं, और इस दौरान आपको जो है ये झंडा उतारना होता है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट गेम। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो है कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए राहुल नवीन को जो है यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि राहुल नवीन को जो है कार्यकारी निदेशक चुन लिया गया है। 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 में जो है संबंधित है ये। अब आपसे पूछ लिया गया है कि ये किससे संबंधित है, तो देखिए महिला आरक्षण बिल यानी कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है लोकसभा और राज्यसभा में दिया जाएगा, इसके ऊपर ये बिल था। ठीक है, 2010 में ये फेल हो गया था। अर्जुन मेघवाल जो कि भारतीय सरकार में ये क्या है, संसदीय मंत्री है। आगे बढ़ेंगे, डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो देखिए रजत पदक। और ये जो डायमंड लीग 2022 का फाइनल में जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता हुआ था, यहाँ से आप नीरज चोपड़ा की फोटो भी देख पाओगे। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए टोटल 84 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, और जो व्यक्ति 75 साल से अधिक उम्र के हो जाते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। जगदीप धनखड़ बंगाल के एक्स गवर्नर और अभी करेंटली हमारे देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये पुरस्कार प्रदान करते हुए आपको दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम को वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। अब देखो ये कहाँ मिला है, ये मिला है गुजरात में। वेनेडियम जो है रेयर मेटल है, ये क्या है, रियल मेटल है, और सबसे ज्यादा रेयर मेटल आपको जो है ये वेनेडियम है आपको चाइना में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे कौन है, रसिया है, रसिया में आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे कौन है, साउथ अफ्रीका। इसकी फोटो आप यहां से देख लो ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इसे याद रख पाओ। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो देखिए पुराने संसद भवन का नाम जो है अब संविधान सदन रख दिया गया है। फोटो आप यहां से देख लो, संविधान सदन की फोटो क्या ही देखोगे, आपको तो पता ही है संविधान सदन का नाम जो है अब बदलकर जो संसद भवन है उसका नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए स्वाति नायक, 40 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, भारत की ओर से स्वाति नायक को यह पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चर्चित उपन्यास
वेस्टर्न लैंड की लेखिका कौन है? तो देखिए, वेस्टर्न लैंड एक जो लेखिका है वो गोपी नाम की लड़की पे जो है उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, और ये लंदन के बैकग्राउंड पे लिखी गई कहानी है। इस टीनेजर लड़की को, यानी 16 साल की ये कम लड़की है, और ये जो है अपनी फैमिली के बीच का जो रिलेशन है इस बुक में दिखाया गया है। चेतना मारू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आप जो है चेतना मारू की जो बुक है वेस्टर्न लैंड ये देख सकते हो। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई बुक है। ये बुक जो है सुपर हीरो के बारे में बताती है। यहाँ से आप फोटो भी इसको देख पाओगे, एक महिला जो सुपर हीरो है उसके बारे में ये बात करती है हुमा कुरैशी। यहाँ पे आप एक्ट्रेसेस को देख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल हो गए खत्म। अगर ये सेशन आपने इंजॉय किया और आपको इन्फॉर्मेशन मिली बहुत अच्छी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपका एग्जाम क्लियर हो सके, ऐसी दुआ करता हूं आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, एजुकेशनल वाले ग्रुप पे, ताकि लोगों को और फायदा पहुंच सके। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।